वो उसको थोड़ा बहुत दूध डाल देते वहाँ। वो क्या करता था, दूध पी के और फिर उस पेड़ के सहारे न्यो खड़ा हो जाता कति खड़ा, और उसके पैर लगा के ऊपर और न्यो पूरा पेट की नो जैसे आसन से करता था, वो पूरे रूप से न्यो पेट पेट लगा के न्यो पूरा, और फिर उतरता फिर दो तीन बार करता। और वो क्या करता था, वहाँ कोने में टट्टी होता था, फ्रेश होता था, तो पहले पंजों से मिट्टी खोद लेता था, वहाँ फ्रेश होकर के फिर मिट्टी से पंजों से उसको मिट्टी से ढक देता था। तो वो पिछले जन्म में योगी था, पिछले जन्म में योगी था, ये क्रियाएं उसके इबी भी याद है, और सूचे ढंग से रहता था। पहले हम देखा करते थे बहुत से व्यक्ति हमारे छोटे थे हम, तब अपना फ्रेश होकर के जंगल पानी फ्रेश होकर के और मिट्टी से ढक देते थे कि इसकी बदबू बाहर ना जाएगी। तो ऐसे इस प्रकार के ये योगी पुरुष ज़्यादा करते थे, तो उनकी उस सच्चा नाम ना होने से आज वो उस बिल्ली की योनि में भटक रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं परमात्मा, तीन सुन में जम की जाड़ी आसन योग नाम बिन खाली। अब तीन सुन, इन तीन सुनों में जैसे काल के लोक की, ये जैसे काल ने अपने ब्रह्मांड बना रखा है, ग्रुप बना रखा है ब्रह्मांड का, इनके बीच में एक वोक्यूम प्लेस होता है जिसको सुन बोलते हैं, वोक्यूम प्लेस खाली स्थान होता है। और फिर उसके बाद जो ब्रह्मलोक, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड का आपस में संयोग है, उनके बीच में भी वोक्यूम प्लेस है, खाली स्थान सुन है, वो दूसरी। और तीसरी फिर परब्रह्म के और सतलोक के बीच में वो क्यों प्लेस है, तीसरी सुन। और चौथी सुन है वो परमात्मा सतलोक में। तो क्या कहते हैं, तीन सुन में जम की जाली आसन योग नाम बिन खाली, चौथी सुन लंघ है जन कोई आवागमन बौर ना होई। अब आपको सुनाते हैं कि कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी आप मनमुखी नाम जाप करते हैं, तो उनकी न तो उनको कोई सुख होता है, ना उनकी सिद्धि होती है, न ही उनको कोई गति प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी में, श्रीमद् भगवद गीता में, इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए वो सूक्ष्म वेद में विस्तार से कही गई है, और उनमें सारा विश्लेषण दिया गया है कि ये ना करनी चाहिए, ऐसे करते हैं वो ये गलत है, ये ऐसे करते हैं वो ठीक नहीं, और ये करनी चाहिए। गरीबदास जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया ताकि ये मेरा गवाह बनाए, तो संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को बहुत ही प्यारे शब्दों में हमारे लिए एक तोहफा छोड़ रखा है। क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेख कहावे बहुविध धुंधु धार मचावे, ये तीर्थ व्रत करें तरबीता वेद पुराण बड़ पढ़त है गीता, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलहदा, यो भी वैदा, वैदा मीन यूजलेस व्यर्थ है। कौन कौन सा व्यर्थ है, सट दर्शन सट भेख कहाँ में, ये गिरी पुरी सन्यासी नागा कनपाड़े नाथ वैष्णो, कहते हैं 6 प्रकार के सट भेख, 6 प्रकार के इनकी विधि है, सट भेख कहाँ में है, और इनकी साधना देखें होगा धूम धूम धार मचा रहे हैं, कोई खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई उल्टा सिर करके कर रहा है, कोई कान पड़वा रहा है, कोई निर आहार रहता है, कोई एक पैर ठाक गर्दन में रख लेता है, खड़ा होकर साधना कर रहा है, न्यू दिखा आम आदमी ने भाई तो ढूंढा ठा रहे हैं भक्ति का, और उनके वो सारे डले ढो रहे हैं, क्योंकि अब पता चलेगा हमें सट दर्शन सट भेख कहाँ में बहुविध धूंधू धार मचावे,
तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। वेद पढ़ रहे, तीर्थ व्रत करें, वेद पढ़ने यार फिर ये डेढ़ है, उसने वेद समझे को ना, वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बातें पुराण। 18 अर्जड़ को अंधे पत्ते खोआवे, भूल गया सृजनहारा। वेद पढ़े और भेद समझा नहीं, और फिर वो उल्टी साधना कर रहे तो वेद समझे नहीं उन्होंने। तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, ये भी वैदा है। अब वेद पढ़ लिए, गीता जी का नित पाठ कर लिया, और गीता जी बता क्या रही है, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन क्या है वो समझा नहीं, तो वो पढ़ा हुआ पाठ व्यर्थ है। अब जैसे गीता जी में लिखा है ऐसा करने से लाभ होगा, इसलिए कहा कि ये भी वैदा है, ये भी व्यर्थ है। 4 संपदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ये 4 संप्रदायें बनी हुई हैं, और इन संप्रदायों में कहते निज नाम नहीं है। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उवा बाई बकता। ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, सतयुग के ब्राह्मण, ये ऋषि कहो चाहे ब्राह्मण कहो, ये सारे उवा बाई बकदे हैं। ये परमात्मा की वाणी बता रही है, उससे पहले आप जी को श्रीमद् देवी भागवत से प्रमाणित कर दिया। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 400 पृष्ठ पर और 6 सकंद में है। वो क्या कहते हैं कि व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। बता, तो वही यहां परमात्मा कह रहे हैं, ये माला गाल हुए हैं मुक्ता। माला गाला करते जे गली में। अब ये माला गले में डालने की बीमारी कहां से शुरू हुई? पहले क्या था, ईबता हम ये अप टू डेट बाबूजी बनकर पेंट सेंट पे रहा, गोज भी कई किलो वाले थे जेब। पहले कोई कुर्ते नहीं हुआ करते, ना पजामे, एक चादर लपेट लिया करते शरीर के, धोती बांध लेंदे और उसी में से शरीर पे कर डाल लेते थे, जेब नहीं होती थी। और माला एक नाम जाप करने का एक साधन है, तो वो जाप करते, इतने जाप करते फिर उस माला को गले में डाल लेते थे ऋषि मुनि। और वो भक्त जैसी भी साधना करते थे, ओम नाम का जाप करते थे, उनसे उसमें कुछ शक्ति आ जाती थी, वो किसी को आशीर्वाद भी दे देते थे, उनको लाभ हो जाता था। किसी कोई उनको खाना खिला देता, वो आशीर्वाद देते थे, अपनी कमाई में से उनको कुछ वो बेनिफिट दे देते थे भक्ति का। तो आम जनता की मन की भावना कि जिसने माला पहन रखी वो भगत आदमी है, और उस माला वाले की घनी श्रद्धा से सेवा करने लगे, गांव में आ जा सब, आज मारा रोटी खाइयो जी, आज मारा खाइयो जी, है तो वो न्यो आदर सत्कार शुरू हुआ। तो फिर बाद में कुछ पाखंडिया ने पाखंड शुरू कर दिया, जो माला डाला है उसकी पूजा होती है। तो नकली लोग भी माला डाल के घूमने फिरने लग गए। अच्छा, फिर कोई दो दो डालन लग गया माला, दो माला डाल रहा, उन्हें सोचा बोली आत्मा होया करती श्रद्धालु, उन्हें सोचा दोनों आत्मा भक्ति करता होगा, यो गुणा भगत। और दो चार चार गालन लाए गए, वो और गणे भगत मान लिए, उनकी पूजा कर लेंगे। तो यह कहते हैं परमात्मा कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये माला गल में घालने से अपने आप को मुक्त समझते हो? नहीं। और सटदल उवा बाई बकदा, इन सटदला में ये जो ये 4 संप्रदाय कौन सी हैं? चारों शंकराचार्यों से जो चला है ना मार्ग, और इन चारों शंकराचार्यों का विधान आप पढ़ लो तो हंसी आवा अपने ईव अब आवे, पहले तो नहीं पता था। तो यहां ये बता रहे हैं कि सटदल उवा बाई बकदा, ये सटदल माने 6 प्रकार के जो भेख बना रखे हैं, ये सब उवा बाई बकते हैं, इनको यथार्थ क्या नहीं है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने, ये वैरागी बने फिरे कहते इनको वैराग का पता है कोई नहीं। अब इसके ऊपर आगे बताया है, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर सार लगावे हैं,
और पांचों नार 2500 लड़के ये दोनों धार मचा हुए हैं। अब यहाँ क्या बताते हैं कि वैरागी बन गया, वैराग ले लिया, घर छोड़ दिया, घर तो छोड़ दिया। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गए लवे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सहलवे। सुखदेव ऋषि जी ने बाल ब्रह्मचारी रह करके और आकाश में भी उड़ने की सिद्धि उसको प्राप्त थी, सब जगह घूम भटक लिया, लेकिन उसको भी वस्तु नहीं मिली। जब तक संत नहीं मिले, पूरे संत नहीं मिले, उनको भी राहत नहीं मिली, कोई रास्ता नहीं मिला। क्या कहते हैं, तूने एक नारी त्याग दी। अब देखो भगत जो आदमी भक्ति करता है वो घर त्यागता किस लिए है कि मेरे मेरी पत्नी मेरी भक्ति में बाधक है। परमात्मा कहते हैं कि एक नारी तो त्याग दी तने, भक्ति में बाधक जान के, अरे ये पांच नारी गैल वे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये पांचों नारी तेरे साथ रे, इन ने त्याग, इन ने चे तो घर में रह के त्याग और चाहे जंगल में बैठ के त्याग, तब मोक्ष प्राप्ति होगी। उस इनको ये त्यागने को बालकों का खेल नहीं, इसको त्यागने के लिए विधि है, यथार्थ मंत्र है, उनके जाप से कुछ दिनों के अंदर अपने आप शरीर में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होने लग जाएगी। आप चाहते हुए भी विकारों को उत्पन्न नहीं कर पाओगे, प्रेरित नहीं हो पाओगे, ऐसी स्थिति शरीर की बन जाएगी। तो वो मंत्र एंटीबायोटिक हैं, वो तने मिले नहीं, उनके ना मिलने से एक नारी त्याग दी और जंगल में चला गया। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी वो सहल वे। कहते हैं सुखदेव ऋषि बहुत घूम लिया, तुम तो पृथ्वी पर घूमते हो, वो ऊपर के लोकों में भी चला जाता था तो भी मोक्ष का रास्ता नहीं मिला उसको, मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुरु नी चोट निशाने, ये बैरागी बैराग नहीं समझ रहे और बिना सतगुरु के चोट निशाने पर लगे नहीं, यानी यथार्थ ज्ञान यथार्थ भक्ति विधि सतगुरु के बिना मिले नहीं और तब तक मोक्ष हो नहीं सकता। बारा बाट बिटम्ब बिलोरी सट दर्शन में भक्ति ठगोरी, इन सट दर्शनों में सन्यासी गिरीपुरी नागा उगड़ और ये नाथ कनपाड़े सूखे नाथ, कहते इन में भक्ति जन्म ठगने की है, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं बोली आत्माएं। बारा बाट बिटम बिलोरी सट दर्शन में भक्ति ठगोरी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा, सन्यासी दस नाम कहावे शिव शिव करे न संत से जावे, निर्वाणी नी कछ निसारा भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। देख कमाल कर दिया, कहती है सन्यासी जो है ये दस नामी होते हैं, ये शिव को भगवान मानते, ये ब्रह्म न भूल गए, ब्रह्म तक की साधना नहीं करते। गीता जी 10:7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में यही निर्णय दिया है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन ये तीनों गुणों के उपासक रजगुण ब्रह्मा जी सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उपासना करने वाले, इनका ज्ञान इस त्रिगुण में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हराया जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, ब्रह्म साधना भी नहीं करते। तो यहाँ परमात्मा अपनी वाणी बता रहे हैं कि ये वैदा है क्या, सन्यासी दस नाम कहावे शिव शिव करे न सन से जावे, किसी का भी शंका समाधान नहीं है, किसी कोई भी निरसंशय नहीं है, शिव शिव करते हैं लेकिन वो ब्रह्म की साधना भी भूल गए। और शिव जी का यथार्थ मंत्र भी और है जो ये दास आपको बताता है, सन्यासी दस नाम कहावे शिव शिव करे ना संशय जावे, निर्वाणी नी कछ निसारा भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा, वो ब्रह्म लोक की साधना भी छोड़ दी, ओम नाम का जाप भी नहीं करते, ये भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा ये भी वैदा, सुन सन्यासी कुल कर्मनासी भग में प्योंदी भूले धोंदी, चल छिद्र की भक्ति ना कीजे आगे जवाब कहो क्या दीजे, यो भी वैदा है।
बरम